शादी के 29 साल बाद ए आर रहमान और सारा बानो के अलग होने की खबरों से लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हैं, काफी ज्यादा हैरान हैं। उतना ही अजीब लोगों को तब भी लगा जब रहमान ने सारा से अलग होने की खबर पर एक पोस्ट लिखा और उसके नीचे एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। रहमान और सारा के अलग होने की वजहों से लेकर तमाम विवादों पर दोनों के वकील और जानी मानी डाइवोर्स लॉयर वंदना शाह ने काफी खुलासा करते हुए वो नजर आई हैं। वंदना शाह ने कहा है कि आम लोगों की तरह ही फेमस लोगों के तलाक लेने की वजहें भी एक जैसी ही होती हैं। रहमान और सारा बानो के अलग होने के फैसले की वजह पूछने पर उन्होंने प्राइवेसी का दिया हवाला है और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला किया है। वंदना ने मीडिया रिपोर्ट से सूत्रों में बात करते हुए ये बताया है कि दोनों के बीच अभी तलाक नहीं हुआ है और दोनों ने अपने मतभेदों को दूर नहीं कर पाने के चलते एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी तक तलाक हुआ नहीं है, वो अभी भी शादीशुदा हैं। हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की थी और चीजें सही नहीं जा रही हैं और दोनों के बीच ऐसा गैप आ गया है जिसे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको अपनी शादी को खत्म करना है। हम कहीं पर नहीं कहा कि तलाक हो गया है या हमने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। पत्नी सारा बानो से अलगाव को लेकर एआर रहमान अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे नीचे हैशटैग भी लिखे थे अ सारा ब्रेकअप। इसी के साथ बताते चले कि इसका इस्तेमाल करने पर उठे सवालों पर वकील वंदना शाह पर कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दूसरे ये ट्रोलर्स के इग्नोर करने के लिए काफी जरिया अच्छी चीजें हैं। साथ ही साथ रहमान ने बहुत ही खूबसूरत पोस्ट भी लिखा था, आपको कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। ए आर रहमान के अलगाव के ऐलान के बाद उनके म्यूजिकल ट्रुप से जुड़ी सबसे बासिस्ट मोहिनी डे द्वारा चंद घंटे बाद ही अपने पति से अलग होने के पोस्ट के बाद दोनों को जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसे में वंदना के दोनों के बीच किसी तरह का संबंध होने से भी इनकार किया है और लोगों की कयासबाजी को बेबुनियादी बताया है। उन्होंने दोनों पार्टीज की प्राइवेसी का ख्याल रखने की भी बात कही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।